Good evening, everybody. Today there is a very important topic, and I think everybody is facing challenges in finances. So what I feel is, because this session is very much important, that I have found जो फाइनेंस है, फाइनेंस की जो डेफिनेशन लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट लोन्स में हम लोग जो गवर्नमेंट ने लिख दिया है या जो बैंक्स ने मेंशन कर दिया है, वो बिल्कुल एज इट इज जाएंगे. बट देर इज अ स्लाइट यू नो गैप. जिस गैप को फुलफिल करने के लिए देर आर आइदर यू शुड हैव अ प्रोफेशनल पीपल अंडर योर कंपनी और विद योर कलीग और एनी बडी, और मे बी इट कैन बी कंसल्टेंट और कैन बी योर असिस्टेंट फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट्स. बट अदरवाइज यू हैव टू प्रेजेंट इट योर केस इन सच अ मैनर दैट इट शुड मैच विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बैंक्स और द NBFCs. इट इज नॉट दैट दिस पीपल डज नॉट वॉन्ट टू गिव यू लोन. ये लोग लोन देना चाहते हैं आपको और वेरी मच देना चाहते हैं, एंड दे फॉलो अ प्रिंसिपल ऑफ 5C. 5C इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर और द क्लाइंट जो लोग लोन लेने जा रहे हैं. तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज जितने भी हम बायोफ्यूल्स के प्रोजेक्ट देख रहे हैं या ग्रीन फील्ड्स के प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है बैंक का ही बहुत ज्यादा आता है, जहाँ पे एक स्टेज पे आके प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है. इनफैक्ट जो प्रोमोटर्स भी होते हैं, जो उसको बड़ा रेसिस्टेंस फील होता है कि अब इसके लिए क्या करें, एंड अपन तो फंस तो नहीं गए. तो उसके लिए सबसे पहले आपके अपने 5C को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर वो हमारे पास फुलफिल हैं, देन एनी बडी लाइक अस, हम लोग भी इसकी कंसल्टेंसीज एंड वी प्रोवाइड यू नो डिफरेंट सर्विसेज फॉर असिस्टिंग इन द लोन. तो उन पर अपन ध्यान दें, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कैपेसिटी. कि जब हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो आपकी कैपेसिटी क्या है. बैंक ये समझना चाहता है कि आइदर यू कैन रीपे योर लोन और नॉट, और आपकी क्या कैश फ्लोज हैं बैंक स्टेटमेंट्स में, या आपका कहाँ से इनफ्लो आ रहा है जो कि आप रीपे कर पाओगे इनवॉइसिस को या EMIs को. तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है आपका कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी हैज़ टू बी इन सच अ वे देयर सीम्स टू बी कि रीपे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. देन हमारा आता है कैपिटल. कैपिटल में क्या होता है कि फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल कैपिटल दोनों देखा जाता है कि वो हमारे पास में कितना उसका बैकअप है. अगर वो है हमारे पास में, तो देर इज वेरी गुड चांसेस दैट हमारी जो फाइल है या जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमने लोन अप्लाई किया, एंड इट हैज़ टू प्रोसीड फर्दर. देन थर्ड वन आता है हमारा कोलेट्रल, कि हम कोलेट्रल क्या दे सकते हैं बैंक को टू यू नो सिक्योर देम. अब ये बैंक की अपनी मर्जी होती है कि वो कोलेट्रल को कितना लेते हैं, कितना परसेंटेज लेते हैं. बट येस, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कोलेट्रल से ज़्यादा जो फोकस एरिया है इनका, दैट इज़ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ एंड ऑल्सो द यू नो योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, बट कंसिडरिंग योर प्रोफाइल. सो फर्स्ट ही मैंने आपको बताया कैपेसिटी, एंड देन कैपिटल, एंड द थर्ड वन इज कोलेट्रल. एंड नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज करेक्टर. सो करेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन यू नो बैंक मैनेजर्स ट्राई टू स्पीक टू यू, यू शुड कम अप विद अ यू नो वेरी क्लीन हार्ट दैट this is your profile and this is what you want from the bank, and this project is going to bring lot of revenues. ki wo revenue leke aayega, to ye justify hona bahut zaruri hai. entrepreneurs kya karte hain ya jo startups karte hain, wo log sochte hain ki yaar ye to scheme aayi hui hai, CGTMS hai, isme collateral nahi lagega, and now this is the you know it this direction has come from prime minister, but it is not like that. There are every you know rule bank has to follow. Nobody wants to give any kind of loan which is under any serious you know it comes under any serious fraud or something. So they have to understand the character of the promoter. So that is what you must have seen. They wanted to meet promoters, understand the promoters, what is their style, what is their technical understanding about the project or the business acumen, which is the prime and foremost thing to understand this. So the fourth one is the करेक्टर, बेसिकली दैट ब्रांच मैनेजर और प्रॉब्ली एनी अंडर राइटर हु वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या करेक्टर लेके कैरी कर रहा है. देन बैंक के पास एक जो लास्ट एक सी बच जाता है, विच इज कॉल्ड कंडीशंस. कि वो बैंक देखता है कि ये जो प्रोजेक्ट है या जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके इकोनॉमिकल वाइबिलिटी क्या हो रही है और वो इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या चल रही हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिकल हों, पॉलिटिकल्स हों, या और जैसे अभी रिसेशन बहुत सुनने में आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, और इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो नॉट वेरी यू नो बहुत दूर नहीं है, हम भी फेस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को. तो कंडीशंस बहुत देखना जरूरी होता है कि किस कंडीशन में किस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, विच इज़ बायोफ्यूल हो या रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. बट देन ऑल्सो दे हैव टू सी दी कंडीशंस, कि वो कंडीशंस कैसी चल रही हैं. अब वो कंडीशंस आपकी
लोकेशन के ऊपर भी लिंक कर सकता है आपका कि लोकेशन कैसी है जहाँ आपने प्रोजेक्ट लगाना है, और आपके सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट द पॉलिटिकल वन ऑल्सो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि कंपटीशन को भी बैंक बड़ा क्राइटेरिया देता है कि इसमें कहीं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो नहीं आ चुका है जिसमें कि बैंक कहीं पे मार्जिन स्क्वीज हो जाए और कल को जो हमारी रीपेमेंट्स आनी है फॉर अनदर 7 to 10 ईयर्स उसमें कहीं प्रॉब्लम आए। तो ये जितने मैंने पैरामीटर्स बताए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 5C। तो दिस इज द प्रिंसिपल टू ऑब्टेन अ लोन। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है या बैंक से कहीं वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, बिकॉज दिस इज हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स, इवन द NBFCs ऑल्सो, तो उनको लोन देना है। ऐसा नहीं है कि दे आर ओपनिंग देयर बैंक एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू यू नो एक्सटेंड द लोन्स, बट एक बीच में एक आपको ब्रिज बनाना पड़ता है जिसको या तो आप बनाएंगे या आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे। इनफैक्ट अगर उन सर्विसेज को लेके आप रिप्रेजेंट करते हैं तो देन आपका केस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ दीज आर माई क्वालिटीज, दीज आर माई कंडीशन, दीज आर माई प्रोजेक्ट, इट कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये मैं रीपे करूंगा, ये मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो ये 5C बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज कैपेसिटी, अनदर इज कैपिटल, किस तरह का कैपिटल है आपके पास, देन कोलेटरल, देन करेक्टर्स, करेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, एंड दी फाइनल इज कंडीशन। सो दीज 5 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बैंक और दी NBFCs टू एक्सटेंड लोन्स, एंड रेस्ट हाउ टू प्रेजेंट इट, वेन टू प्रेजेंट इट, टू होम टू अप्रोच, बिकॉज एवरी बैंक हैज अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कुछ बैंक किसी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, किसी सेक्टर को थोड़ा कम। तो आपको एक प्रोफेशनल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इनफैक्ट एज अ KEC वी ऑल्सो हेल्प पीपल टू यू नो ऑब्टेन लोन, सो वी आर ओपन फॉर द डिस्कशंस, एंड प्लीज कीप इट इन माइंड बिफोर यू नो गोइंग टू द बैंक, बिकॉज बैंक में बार बार फाइल सबमिट नहीं हो सकते हैं, इट गोज पैरेलली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, बिकॉज दिस सेशन वॉज ड्यू एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन यू नो चेज्ड अबाउट ऑल दिस, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर